बंसल जी बने घोड़े संडे को। बंसल जी सही गुल्लू को राइड करा रहे हैं। गुल्लू घोड़ा चला, बस पे चढ़ा, टुकड़ू 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 टुकड़ू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, क्योंकि संडे का दिन है और आज का दिन जो बहुत बहुत लेजी लेजी स्टार्ट हुआ है। 10:30 बजे आज हम लोग उठे। उठने के बाद वही आज यूजुअल घर के काम। वैसे हम सुबह एक बार उठ जाते हैं 7 o'clock, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर जो है वो 7:30 आती है, तो वो आके डोरबेल बजाती है, तो हम उठ जाते हैं। तो घर में 7:30 सफाई वगैरह करके फिर उसके बाद हम लोग दोबारा सो जाते हैं, फिर उसके बाद बाकी काम स्टार्ट होते हैं। तो आज का काम स्टार्ट हुआ है। आज मेरी छुट्टी है ब्रेकफास्ट से, तो ब्रेकफास्ट नहीं किया हम लोगों ने, सीधा ही लंच किया है। पहले तो चाय पी, फिर उसके बाद चाय पीने के बाद नहा धो के हम लोगों ने मंगवाए छोले भटूरे, और वो छोले भटूरे बंसल जी ने एक एक छोले भटूरा हम लोगों ने खाया। और बस अब खाने के बाद थक चुके हैं, और आज मुझे 2-4 काम है संडे को। लेकिन बंसल जी भी लेजी मूड में है, मैं भी लेजी मूड में हूँ, और गुल्लू भी, हम तीनों के तीनों लेजी मूड में है। मन कर रहा है फिर से सो जाए, क्योंकि संडे को ना पता नहीं एक अजीब सा अंदर से फीलिंग आती है, यार सो जाओ, और ऊपर से बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मन ही नहीं कर रहा। बंसल जी तो हेलो। तो आज हमें जाना है गुल्लू की शॉपिंग करवाने। मैंने हेड वॉश किया था, अब पर मज़ा नहीं आया मुझे हेड वॉश करने के बाद, अब कल दोबारा वॉश करूँगी। नए नए कपड़े आएंगे गर्मियों के। गुल्लू के पास सारे कपड़े ख़त्म हो चुके हैं, अभी जो मैं लेके आई थी सर्दियों के लेके आई थी, गुल्लू के पास गर्मियों के कोई कपड़े नहीं है। तो जाना पड़ेगा गुल्लू के लिए गर्मियों के कपड़े, एक दो जोड़ी सोच रही हूँ मैं इसके लिए, चप्पल भी लेके आऊँगी। हेयर कट कराना भूल जाती हूँ, हेयर कट भी कराना। जीप क्यों निकाल रहे हो? टंग नहीं पता। और क्यों आप संडे वाले दिन मेरी बैंड बजा रहे हो? खड़े हो जाओ, हो खड़े हो जाओ, हो अभी हो सोनू, खड़े हो सोनू, खड़े हो आप, देश के बहुत बड़े वो हो, क्या हो? समझदार व्यक्ति। हाँ वो पता, सच में मेरे दिमाग में भी यही आया। सोचो कि आप और मैं कितना सही सोचते, पता मेरे दिमाग में भी यही आया कि आप यही बोलोगे। देखा मैं आपको कितना दिल से जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, मैं आपको कितना जानती हूँ, आप मेरे को जानते हो बिल्कुल भी नहीं। मैं अच्छा मुझे मैं बताओ अगले पल मैं क्या सोच रही हूँ कि पैसे कैसे उड़ाए जाए। गलत फहमी है ये आपकी। अच्छा फिर मैं भी सोच रही थी मैं अपना सामान कैसे बेचूं। कौन सा सामान? कौन सा? सोफा और बेड। क्यों? मैं सोफा ओएलएक्स पे बेच रही हूँ। बहुत बढ़िया, नया सोफा लेके आऊंगी फिर मैं। हाँ बहुत बढ़िया, फिर मैं घर बेचूंगी ये वाला। बहुत ही बढ़िया। सो गाइस, जिस घर में मैं ये रहती हूँ, ये घर को मैं सेल कर रही हूँ। भाभी ने सुन लिया ना, भाभी सीधा कल घर पे ही आएगी कि सोनिका क्या कह रही थी तुम वीडियो में। मजाक कर रही हूँ, ये रेंटेड हाउस है मेरा, वो तो मजाक करने के लिए मैं कुछ भी कह सकती हूँ। ये मेरा गुल्ला इधर से उधर, बंसल जी पसरे हुए, देखते हैं कहाँ निकलते हैं संडे वाले दिन भी। तो संडे को लेजीपना छोड़ा हमने, और इधर मैं फ़िलहाल तो कर रही हूँ दूध गरम, और हम जा रहे हैं गुल्लू के कपड़े देखने जो मैं आपको सुबह से बोल रही थी। और इधर मैंने कर ली है, गुल्लू को मैंने छोड़ दिया है मम्मी के पास, नकुल गया गुल्लू को लेके। और बंसल जी की अभी मैं आपको कहानी बताती हूँ ज़रा, कि बंसल जी ने क्या किया है और बंसल जी क्या कर रहे थे। अब वो तो ये देखो, बेचारी ये इतने डाउन टू अर्थ इंसान है, इनकी पुरानी इस उन्होंने इससे पहले जो टी शर्ट पहनी हुई थी वो यहाँ से, एक सेकंड दिखा दो, दिखाओ जरा,
कितने शरीफ बंदे हो, अभी तो सही है ये वाली टी शर्ट तो। हाँ तो क्या दिखाऊं इसमें, इसमें ये दिखाते हो, यहाँ से फटी हुई थी। भाई फटी हुई तो क्या हो गया, तो बंसल जी कहते किसी को दिख थोड़ी रही है। दिखने की क्या बात है, इसका बेइज्जती नहीं होती? बेइज्जती की क्या बात है, कहीं हम जाएंगे तो कोई देखेगा कि भाई ये देखेगा तो तू दिला दे भाई। मैं दिला देती हूँ, मैं दिला देती हूँ आज, मैं बंसल जी को दिला। अच्छा आप मुझे दिला दो, ठीक है बंसल जी, क्योंकि आप चलने को तैयार नहीं हो तो देख लेंगे कि ना, फिर शाम को आके देख लेंगे, खिचड़ी बना दूंगी फिर आपके लिए। जो इससे पहले आपने मुझे बोला था कैमरे से पहले, वो तो बताओ। तो तुम बुलवा रही थी कि ऐसे है ना, मैं वीडियो बनाऊंगी तो मेरे को है ना व्यूज अच्छे मिल जाएंगे, तुम ये बोलते ना कि मैं खाना बाहर ही खाऊंगा, खिचड़ी से अच्छा तो मैं खाना बाहर ही। मैंने बुलवाया था, तुम पता है ऐसी इनोसेंट शक्ल बना के ना सब ये सोचते हैं कि ना मतलब आप इनोसेंट हो। ये सच्चाई है, चलो फिर खड़े हो फटाफट से चलो। ये देखो ये सही है ना? नहीं ये नहीं, आप ये देखो, ये वाली देखो, ये पहनेगी मेरी बेटी, निक्कर नहीं पहनेगी ना मेरी बेटी, जीन्स पहनेगी। कैसे से अष्ट वो वाले बाप का, ये देखो कितनी सुंदर लग रही है, सुन ये लेंगे। मेरी बेटी निक्कर नहीं पहनेगी, उसको पहननी पड़ेगी, उसकी मम्मी उसको निक्कर बनाएगी, स्कर्ट बनाएगी, उसको एवरीथिंग बनाएगी। आप होते कौन हो कहने वाले, मारो तुम करके ऐसे ही मारोगे। दिस इज नाइस यार, ये वाली ले सकते हैं देखना। इसमें कलर भी है, ये भी है देखो, येलो देखो, कहाँ हो आप, ये वाली देखो यार, निक्कर सही नहीं है यार, बेकार है निक्कर तो बेकार है। मैं कपड़े नहीं खरीद रही, आप ले लो, ये ले लो भाई यार, दिस इज वेरी नाइस यार। हाँ ये खरीद सही है, है ना, 3D प्रिंट है ये। हाँ बट दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी कॉस्टली, क्यूट नाइस यार, सी दिस वन, देखते हैं क्या दिलाते हैं ये। गाइस हम चुनमुन से आ चुके हैं वापस, और पता है एक निक्कर हमने देखी वो 899 की, मतलब कुछ भी नहीं था उस निक्कर में। तो अब हम जा रहे हैं मैक्स पे, क्योंकि इस टाइम चुनमुन पे कोई डिस्काउंट भी नहीं था, तो मैक्स पे जाके देख रहे हैं। बंसल जी की तो सारी चीज़ें बहुत सस्ती लग रही थी, बट मैक्स पे भी देखते हैं कि क्या वेराइटी है क्या है, देन आफ्टर दैट हम लोग चूज़ करेंगे गुल्लू के लिए कपड़े। इस बार मैंने सोचा है 5-6 जगह जाने के बाद मैं गुल्लू के लिए कपड़े चूज़ करूँगी। जो पटरी लगती है ना वहाँ से ले लो, सुनो आप ला दो ना, मैं ले आऊंगा, क्या दिक्कत होगी। हाँ आप ला देना, मैंने आज तक नहीं पहना है ना, मैंने खुद पहने। भैया को ले जाओ, हम गलत आई थिंक आ गए। तो फाइनली आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए खुश हूँ क्योंकि मम्मी मैं शो वो कैसे करूँ एक जगह, इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरे को और गुल्लू को कराई है बंसल जी ने शॉपिंग। मैंने अपने कपड़े खरीदे हैं, कुछ बंसल जी ने अपने कपड़े खरीदे हैं, और कुछ गुल्लू के कपड़े हमने खरीदे हैं। तो कपड़े वापस चले जाते हैं, पकड़ो क्या खाओगे, KFC तो नॉन वेज है, इसको पकड़ तो लो एक सेकेंड। सुनो अच्छे से लग रहा है थोड़ा, आज मज़ा सा आ रहा है थोड़ा, चल उस पर खाएंगे मैकडी में। चलो बाबू कहाँ गया है, ऐसे ना कहाँ गया ए बाबू, ये ना औरों को ठंड लग रही है ये। क्या कर रहे हैं यार, वो भी जैकेट भैया, एक गुल्ला कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे पकड़ना जरा, इसको नए नए इसके वो बना देते हैं। गुल्लू दिस इज फॉर यू। हाँ मम्मी, मम्मी कह रही थी कि सोनी का बहन ही बना देगी, उसके पास है। आप देखे मम्मा आपके लिए ले लाई है, देखो बस आ जाए भाई, ये दोनों पूरे हैं, इनकी बेटी भी करी है, हमारी कैसे बोल रही है, सोनू छोटे लग रहे हैं आगे देखो, सही है एक नंबर बड़ा लेना था है ना, आगे हाँ
सही है? वो खाना अच्छा था। क्या ऑर्डर किया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं किया, अभी हमने करा तंदूरी मोमो। हमको तो मजे आ रहे हैं, पीछे बैठ के आ रहे हैं, पापा स्कूटी चला रहे हैं, गुल्लू बैठ के बीच में हवा से एंजॉय कर रही है। फ्रेंड्स, गुल्लू आ चुके हैं यहाँ पे रिलायंस पे, इसके ड्रामे जो है वो खत्म ही नहीं हो रहे यहाँ पे। जाओ जाओ जाओ, गो तुम जैसे बच्चे को लेके नहीं आना चाहिए, चलो गुल्लू गुल्लू इधर। नहीं मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बाहर ही है। इतनी गंदी तरीके से आज तुमने स्कूटी चलाई है ना, एक्सीडेंट हो जाता। और अगर आज एक्सीडेंट हो जाता ना तो पता चल जाता तुम्हें, 10,000 का कुंटा हो जाता। सीधा 10,000 का कुंटा होता। वो हम लोग रोड से जा रहे थे, चूहा बड़ी जोर से सड़क क्रॉस कर रहा था दारू पी के दारू पी गए। अब उसको क्या पता, उसको लगा ये तो क्या है, स्कूटी थोड़ी ना, ये तो छोटी मोटी साइकिल है। हाँ, वो तो एकदम, हम तीन जने थे। क्या लगता है मम्मा आपको इग्नोर कर रही है? मम्मा आपसे प्यार नहीं कर रही क्या? मम्मा आपके लिए न्यू सैंडल लेके आई, मम्मा आपके लिए दो जोड़ी कपड़े लेके आई ना, फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मम्मा आपको इग्नोर कर रही है? दांतों में दर्द हो रहा है आपके? क्या हुआ, क्या मम्मा को बताओ तो सही। मम्मा वॉन्ट टू नो, क्या हुई? रो लो आप। मैं बच्चा। सो गाइज, आने के बाद रिलायंस गए, रिलायंस से लेना था बहुत सारा सामान, और ये किया है बुआ जी के, कल और परसों होली जानी है तो बंसल जी सारा सामान बुआ जी को देने के लिए लेके आए हैं। और बंसल जी सुबह सुबह 6 बजे निकल जाएंगे बुआ जी को देने के लिए, 7 बजे 8 बजे 8 बजे। और ये बहुत सारा सामान इसमें से, और ये क्या है, ये क्या है? अच्छा, ये कपड़े पहन के जाएंगे, इसलिए इन्होंने निकाल के भी अभी रख लिए कि मेरी बीवी की सुबह नींद खराब ना हो, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट उठती हूँ तो जो जो समझ आया सारी चीज़ें, बस मीठे के डब्बे लेने हैं, वो भी चाचा जी के पास आ गए होंगे, चाचा जी के पास। तो आप चाचा जी से लेते हुए जाओगे या ब्रेकफास्ट करवाओगे सुबह? यहाँ से पहले पहाड़गंज जाएंगे, पहाड़गंज से चाचा जी से डब्बे लेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। और कल से जो है वो होली की वाइब्स जो है वो चालू हो गई है। होलस्का, होलिस्का कहते हैं शायद, होलास्ट, होलास्ट मतलब कि होली के दिन लग जाते हैं, और कुछ दिन आप लोगों को भी पता होगा अच्छे नहीं होते हैं। और बाहर बच्चे जो है गुब्बारे मतलब अभी से फोड़ना चालू हो गए। हम लोग जब अपने टाइम में, उस टाइम तो एक एक महीने पहले होली चालू हो जाती थी, अब वैसे तो सारे किसी भी त्यौहार की कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रही है। हमारे यहाँ दिवाली होती थी, गली में इतनी लंबी लंबी पता पटाखों की लड़ियाँ फूटती थी, अब तो कुछ ही नहीं होता। और पता क्या, जब होली होती थी ना, दो चार गली की औरतें क्या करती थी, मतलब लेडीज जो होती थी, वो इकट्ठे होके एक दूसरे से ना कोई नीचे कीचड़ उड़ा के मुंह पे नहीं लगाती थी। बट हम लोगों ने तो, मेरी दादी हमें खेलने नहीं देती थी क्योंकि हमारे यहाँ आन लगी हुई थी। तो मेरी शादी के बाद से हम लोगों ने थोड़ी सी स्टार्ट करी है मतलब, पर फिर भी मैं और बंसल जी तो नहीं खेलते। बंसल जी पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते। अगर मेरे पास बंसल जी की फ़ोटो होगी ना पहले की, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, और आप देखना बंसल जी कितनी गंदी होली खेलते थे। मुझे लगता है अंडे से, कीचड़ से, पक्के रंग से कोई ऐसी चीज़ नहीं जाती थी जिससे बंसल जी ने होली नहीं खेली होगी। लेकिन अब जो है धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म हो गई है, ठीक है, कोई बात नहीं है, हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो गाइज, इसी के साथ इस ब्लॉग की यहीं पर एंडिंग करते हैं। डू लाइक सब्सक्राइब टू बंसल फैमिली। आप क्या करते हो, आते हो प्रिया का ब्लॉग होता है तो चेक करते हो, और क्या है, आते हो प्रिया का ब्लॉग होता है तो उसको देखते हो और भाग जाते हो।
उसी पे इतने सारे व्यूज आते, मेरे वाले पे क्यों नहीं है व्यूज? तो फटाफट से आओ, मेरा चैनल जो है वो जरूर देखा करो। बाय बाय, गुड नाइट।